सरस्वती में चुपाई आती है। दीपनो मेलो रे उच्छो अति बलो, जिया श्रृंगार करो धनी सरो साथ। एणे रे समय मुने वालो तेटो, जेम आवीने मलो मारा प्राणनाथ। इंद्रावती जी की आत्मा जो श्री मीराज के धाम हृदय में विराजमान है, विरह की उन विकट परिस्थितियों में अपने प्राणेश्वर से प्रार्थना करती है कि दीपावली का त्यौहार आने वाला है जो बहुत ही सुंदर है, और मैं जानती हूँ कि आप इस समय सब सुंदर साथ के साथ श्रृंगार करते हैं, नए वस्त्र धारण करते हैं। आप इस समय यदि मुझे बुला लो तो मैं भी आपसे मिलन कर सकूँ। ये हृदय की पीड़ा है जो श्री मीराज के हृदय में फूट रही है कि आज दीपावली के त्यौहार पर सब सुंदर साथ स्वच्छ वस्त्रों को धारण करते होंगे, चारों तरफ प्रसन्नता का वातावरण होगा, किंतु ऐसे समय में मैं अपने प्रीतम से मिलन नहीं कर पा रही हूँ। आज कुछ दिनों के बाद ही दीपावली का त्यौहार आने वाला है, और देश विदेश में जहाँ भी हिंदू समाज होता है इस त्यौहार को प्रसन्नतापूर्वक मनाता है। इस त्यौहार से क्या संदेश आता है? आप देखिए, एक दीपक होता है, दीपक में तेल भरा जाता है। आजकल तो बल्ब का, ट्यूबलाइटों का जमाना है, किंतु प्राचीन काल में दीपक का एक बर्तन होता था, उसमें तेल रहता था, बत्ती जलती थी। एक सारे देश के लिए, मानवता के लिए एक संदेश है कि दीपक की ज्योति जैसे सारे संसार के अंधकार को दूर करती है, वैसे ही संसार में जो अज्ञानता का अंधकार है उसको हम दूर करें। यह जो अंधकार है माया का, इसको तो सूरज उगता है तो रात्रि को जो अंधेरा होता है वो कुछ समय के पश्चात अपना अस्तित्व खो देता है सूर्य के प्रकाश में। वैसे ही अज्ञानता का, अविद्या का जो अंधकार है जो पूरी मानव जाति को निगले रहता है, उसको कौन मिटाएगा? ज्ञान का सूरज। अब ज्ञान का सूरज जो तारतम ज्ञान अवतरित हुआ है, इसके बावजूद भी यदि काले बादलों का घेरा बना रहे तो सूर्य क्या कर पाएगा? दीपक से एक प्रेरणा लेनी चाहिए कि दीपक स्वयं जलता है। दीपक में रखा हुआ तेल भी समाप्त हो जाता है, लेकिन वो जलकर दूसरों को प्रकाश देने में अपनी सारी ऊर्जा लगा देता है। ये दीपावली का त्यौहार आत्ममूल्यांकन के लिए है, आत्मनिरीक्षण की प्रेरणा देता है कि हमने मानव जाति के लिए कौन सा त्याग किया है। हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है, मातृ ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण का। चौथा ऋण मैं जोड़ देता हूँ, मानवता के प्रति कर्तव्य का। मानवता के प्रति जो हमारा उत्तरदायित्व है आज के युग में एक चौथा ऋण माना जाएगा। माता ने जन्म दिया है, उसका ऋण पालन करने के लिए हम ललायते रहते हैं, करना भी चाहिए। पिता ने पालन पोषण किया है, आचार्य ने ज्ञान दिया है, तीनों ऋणों को पार पूरा करना आवश्यक है, लेकिन मानवता के प्रति भी तो हमारा कर्तव्य होता है। ये तो हमारा व्यक्तिगत ऋण हुआ। यदि देखा जाए संपूर्ण मानव जाति से हमने कुछ तो खींच लिया है। जिस देश के अन्न जल को हम ग्रहण करते हैं, उस देश में यदि अविद्या फैली हो, मानवता चित्कार कर रही हो, उसके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होता है? कहीं ना कहीं माता पिता के ऋण से भी यह ज्यादा बड़ा ऋण है। राजकुमार सिद्धार्थ अपना गृह त्याग करते हैं, माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा नहीं करते हैं। स्वामी दयानंद भी 19 साल की अवस्था में गृह त्याग करते हैं, उनके माता पिता उनकी याद में तड़प तड़प कर शरीर छोड़ देते हैं। माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा तो नहीं किया, लेकिन हाँ, स्वामी बिरजानंद जो उनके गुरु थे उनके प्रति अपने कर्तव्य को उन्होंने पूरा किया, और मानवता के प्रति उनका जो वास्तविक उत्तरदायित्व था उसको भी उन्होंने पूरा किया। यदि राजकुमार सिद्धार्थ महलों में रह जाते
तो न जाने लाखों प्राणियों को सत्य का मार्ग कौन दर्शाता। यदि दयानंद, विवेकानंद, शंकराचार्य अपने घरों में रह जाते तो अंधकार में भटकती हुई मानव जाति को सत्य का प्रकाश कौन दिखाता। दीपक में तेल हर क्षण समाप्त होता जाता है, लेकिन वो निरंतर प्रकाश देता रहता है। प्रकाश फैलाते फैलाते स्वयं ही बुझ जाता है। यह उद्यात प्रेरणा यदि हम ले लें दीपक से कि हमें भी किसी न किसी रूप में दीपक बनना है, दीपक के आदर्शों को ग्रहण करना है। हमारी बौद्धिक शक्ति है, आर्थिक शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति किसी न किसी रूप में मानवता के कल्याण के लिए हो। आज देखिए दीपावली के इस त्यौहार पर कितनी विसंगतियां हैं। दीपावली का त्यौहार मनाया जाता था प्राचीन काल में इसलिए कि वातावरण सुगंधित रहे। वर्षा काल व्यतीत होता था, शरद ऋतु का प्रारंभ होता था इस समय, और ऐसे समय में यज्ञ हवन किए जाते थे, वातावरण शुद्ध हो जाता था। आज तो उल्टी स्थिति है। दिल्ली जैसे शहर में रहना कितना दुश्वार हो गया है, और आज का मानव प्रदूषण फैलाता है। वो सोचता नहीं कि हम जो पराली जला रहे हैं, समाज में विष घोल रहे हैं, उससे कितनों के जीवन पर कष्ट होता है। जिस किसान को भोला भाला कहा जाता है, अन्नदाता कहता है, वो बेशर्मी से कहता है कि हम क्या करें, हम तो जलाएंगे। वो ये नहीं सोचता कि उसकी पराली का धुआं कितनों के जीवन के लिए घातक बन जाता है। चारों तरफ जिधर देखिए अक्टूबर नवंबर के माह में रहना कठिन हो जाता है। बड़े नगरों का जीवन ऐसा हो जाता है जैसे लगता है कि वो धुएं के कक्ष में रह रहे हैं। दीपावली का त्यौहार प्राचीन काल में जहाँ एक खुशियों की सौगात लेकर आता था, प्रसन्नता का उपहार लेकर के आता था, आज किसी न किसी रूप में दुखों का उपहार लेकर के आ रहा है, क्योंकि आज का मानव स्वार्थी प्रवृत्ति का है। वो मंदिर में भी जाता है तो कुछ स्वार्थ लेकर जाता है। तिरुपति के मंदिर में प्रतिदिन 2 करोड़ का चढ़ावा चढ़ता है। लोग क्यों चढ़ाते हैं? क्या परमात्मा उनके हृदय मंदिर में नहीं है? उन्हें गीता का यह कथन याद तो आता है कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, परमात्मा हृदय मंदिर में है। लेकिन एक किंवदंती प्रचलित हो गई है कि जो तिरुपति मंदिर में चढ़ावा चढ़ेगा उसको दूना फल मिलेगा। इसी लोभ में आज का हिंदू वहां जाकर के अधिक से अधिक धनराशि चढ़ाने का प्रयास करता है कि दुगुना हो जाए। निस्वार्थ भाव से बहुत कम जाते हैं, अन्यथा घर बैठे गीता का ज्ञान ग्रहण कर ध्यान मार्ग के द्वारा उस परमात्मा की आराधना कर सकते हैं, लेकिन नहीं। आज का हिंदू, अभी कुछ दिनों के बाद एक त्यौहार आएगा जिसमें तुलसी और शालिग्राम का विवाह होगा। पत्थर और पौधे का विवाह हो सकता है, लेकिन एक गरीब के लिए, एक हिंदू गरीब लड़की के लिए बहुत कम दान देना चाहेगा कि हाँ उसके विवाह में हम सहयोग कर दें। ऐसे ही है, हमें इतिहास से शिक्षा लेनी चाहिए, लेकिन हम लेना नहीं चाहते। जुए का व्यसन कितना बुरा होता है। 5 पांडव सहित द्रौपदी को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास झेलना पड़ा था इसी जुए के कारण। यही जुआ महाभारत के युद्ध की भूमिका बनाता है। आप सोचिए, दीपावली का त्यौहार आते हैं, जिधर देखिए जुआरुओं का झुंड दिखाई देता है। जुआ खेलना क्या है? आलस्य और प्रमाद को निमंत्रण देना है। लॉटरी भी इसी का एक दूसरा रूप है। जो मनुष्य पुरुषार्थ से रहित होकर धनोपार्जन करेगा तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। प्राचीन काल में कोई भी अनैतिक तरीके से धन नहीं कमाना चाहता था। जो धन अनैतिक तरीके से कमाया जाता है वो अनर्थ होता है, अर्थ नहीं होता है, और अधर्म से उपार्जित अर्थ लंबे समय तक नहीं चलने वाला होता है, इसका परिणाम बुरा ही होता है। धर्म से जो अर्थ पैदा किया जाता है वास्तव में वही अर्थ है, और उसी के द्वारा लौकिक सुखों का उपभोग करना चाहिए, और तभी मन में शांति रहती है। भारतीय संस्कृति तो यह कहती है कि मातृवत पर दारिश पर द्रव्य लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेश या पश्यत स पंडिता। मातृवत पर द्रव्येश, मातृवत पर दारिश, दूसरे की स्त्री को
माता के समान, पर द्रव्य श्लोष्टवत, और दूसरे के धन को धूल के समान समझना चाहिए। जुआ खेलने वाला क्या करता है, एक झटके में हजारों लाखों करोड़ों को जीत लेता है, बिना परिश्रम के दूसरे के धन को छल पूर्वक ले लेना अधर्म है। और जिस देश में जुआ खेला जाता है वह देश कभी आर्थिक प्रगति को प्राप्त नहीं कर सकता है। जुआ खेलना मानवता के लिए अभिशाप है। संपूर्ण हिंदू समाज इस दीपावली को त्यौहार मनाता है, जुआ खेलने का दुर्व्यसन का ही कहा जाएगा पूरी तरह से प्रचलित है। वातावरण को भी हम प्रदूषित करते हैं, वातावरण का जो प्रदूषण है पूरी मानव जाति के लिए घातक है। जुए का प्रचलन पूरी मानव जाति के लिए घातक है। न जाने ये कितने महाभारत को जन्म देता है। हमारी संस्कृति की जो विशेषता है कि मातृवत परदारिश, दूसरे की स्त्री को माता के समान समझे, दूसरे के धन को मिट्टी के समान समझे, और सभी प्राणियों में अपनी जैसी ही चेतना को देखें, किसी तरह का भेदभाव न रखें, जाति के नाम पर, प्रांत के नाम पर, अमीर और गरीब के नाम पर, विद्वता और मूर्खता के नाम पर, किसी तरह का भेदभाव यदि हम रखते हैं तो हम पंडित भी नहीं कहला सकते, ब्रह्मज्ञानी तो दूर की बात है। किंतु देखा जाए तो सुंदर साथ कहीं ना कहीं इन बुराइयों से स्वयं ग्रसित है। आज सुंदर साथ के पास तारतम ज्ञान का प्रकाश है, लेकिन कैसी विडंबना है, तारतम ज्ञान के इस प्रकाश को पाकर भी सुंदर साथ उसका आचरण नहीं उतार पा रहा है। हम अपने अंतरात्मा से पूछें, क्या हम सुंदर साथ के बीच में पराई स्त्री को माता के समान मानते हैं? कुछ लोग मानते होंगे लेकिन सभी नहीं, ये सत प्रसिद्ध सच्चा। क्या हम दूसरे के धन को मिट्टी के समान समझते हैं? इसका भी उत्तर वही मिलेगा। क्या हम दूसरे सुंदर साथ को अपने जैसा समझते हैं, या स्वयं के अंदर ये मानते हैं कि जो चेतना मेरे अंदर है वही चेतना दूसरे के अंदर भी है? कहने को तो चुपाई हम कह देते हैं कि आत्म सवनी एक दीजे जुजवी से दी से दें, सबके अंदर एक ही चेतना है, लेकिन हम व्यवहार में चरितार्थ नहीं कर पाते। आज से लाखों वर्ष पहले मनीषियों ने इसरो की रचना की और इसमें यह स्पष्ट रूप से कह दिया कि मातृवत पर दारिश पर द्रवेश लुष्टवत आत्मोत सर्वोदय से प्रसिद्ध से पंडित, दूसरे के धन को मिट्टी के समान समझे, दूसरे की स्त्री को माता के समान समझे, और सभी प्राणियों के अंदर जो चेतना है उसको अपने समान समझे, किसी भी तरह का भेदभाव न करें। यदि तीन सूत्रों को हम जीवन में अपना लेते हैं तो हमारा जीवन धन धन हो जाएगा। दीपावली का त्यौहार एक दीपक बनने की प्रेरणा देता है, और अध्यात्म जगत में दीपक का कितना महत्व है इसको शिवा पूजा की एक चौपाई से समझा जा सकता है। कितन दीपक मन ज्योत करो, प्रेम घृत लौला, शोभा अलग श्रीराज की आरती करो चित लाए। राज्य की हम आरती उतारते हैं तो पहले दीपक को जलाते हैं। कैसा दीपक? ये तो बाह्य आचरण है राज्य की आरती करने का। दीपक जलाए और राज्य की जो वाणी रखी होती है उसको राज्य का ज्ञानवे स्वरूप मानकर समर्पण की भावना से हम दीपक को घुमा देते हैं, कहते हैं कि हमने राज्य की आरती कर ली। लेकिन सेवा पूजा में किस तरह की आरती करने के लिए कहा गया है? तन दीपक, हम अपने शरीर को दीपक बना लें। मन ज्योत करूं, मन को बत्ती बना लूं और उसमें तारतम ज्ञान की ज्योत प्रज्वलित करूं। लेकिन वो जले कैसे? प्रेम घृत लौला, दीपक के बर्तन में जो घी रखा वो प्रेम का घृत हो। शरीर रूपी दीपक में जो मन है उस मन में तारतम ज्ञान की ज्योति हो बाती के रूप में, और प्रेम रूपी घृत जब डाला जाता है तो इस दीपक से आरती उतारनी है। शोभा लक श्री राज की आरती करो चित लाए। यदि हम ऐसा कर सकते हैं कि मन को तारतम ज्ञान की ज्योति से प्रकाशित कर लें, अपने हृदय में प्रेम रूपी घी भर लें, तो हमारा यह समर्पण आरती का अर्थ क्या होता है? सर्वस्व समर्पण करना। नख से सिख तक इसीलिए दीपक को घुमाते हैं कि मेरा तन मन हृदय सब कुछ आपके लिए समर्पित है। हम प्रतिदिन कर्मकांड के रूप में ही एक तरह से आरती उतारते हैं, शुद्ध हृदय से आरती नहीं उतारते।
वास्तव में आरती उतारना क्या है? तन दीपक मन ज्योत करो, प्रेम घृत लौला, सुबालक श्रीराज की आरत करो चितला। हृदय में प्रेम का तेल भरकर, मन में तारतम ज्ञान की ज्योति भरकर, सर्वस्व अपना निछावर कर देना। लेकिन ऐसा कौन करता है? यदि हम नहीं करते हैं तो इसकी तरफ हमें कदम तो बढ़ाने ही होंगे, अन्यथा जागरी एक दीवा स्वप्न बन करके रह जाएंगे। यदि हम राज्य के लिए समर्पित भावना ही नहीं सीखते, केवल अपने बारे में हम सोचते हैं, तो हम कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। एक जड़ दीपक होता है, देखिए संसार को प्रकाश देते देते स्वयं के अस्तित्व को मिटा देता है। आज लगभग 350 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो गया। विक्रम संवत 1712 से वाणी का अवतरण शुरू होता है, विशेष रूप से 1715 जोड़ा जाएगा। आज लगभग 350 वर्षों से ज्यादा का समय व्यतीत हो गया वाणी का अवतरण होते हुए, लेकिन आज स्थिति क्या है? हमने बड़े बड़े मंदिर बनाए, मैं समझता हूँ कुछ वर्ष पहले 400 मंदिरों की संख्या थी, आज हो सकता है 600 हो गए हो, इससे भी ज़्यादा भी हो सकते हैं। कई कई करोड़ के मंदिर बन रहे हैं और भविष्य में बनाने की भी तैयारी है। उन मंदिरों में राजमहलों जैसी साज सज्जा भी है, देखने में आकर्षक लगते हैं, पर्यटन के केंद्र भी बन रहे हैं, लेकिन क्या उनसे ज्ञान की ज्योति फैल रही है? यदि नहीं फैल रही है तो ऐसे राजमहलों जैसे मंदिरों को बनाने से कोई लाभ नहीं है। हम राज्य के प्रति अपनी समर्पण भावना को किस रूप में दर्शाना चाहते हैं? अंधकार में भटकती हुई मानव जाति को हम ज्ञान का प्रकाश देना नहीं चाहते, उसके हृदय में प्रेम का घृत भरना नहीं चाहते कि आत्म ज्योति को प्रज्वलित करें। आज से लाभ से 2500 वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध ने कहा था, आप दीपो भाव, अपने दीपक स्वयं बनो। हमारे हृदय में ज्ञान की ज्योति जलेगी तब तो हम स्वयं निरीक्षण कर पाएंगे, स्वयं जान पाएंगे कि हमें क्या करना है। दूसरों को प्रकाश देना तो दूर की बात है। यदि तारतम वाणी केवल मंदिरों में पूजा की ही वस्तु बनी रहेगी, सबके हृदय में उसके ज्ञान का प्रकाश नहीं फैलेगा, तो परिणाम क्या होगा? आज देखा जाए पूरे विश्व में हिंसा की चित्कार सुनाई दे रही है। विश्व को छोड़िए, भारत में ही देखा जाए चारों तरफ दंगे की आहट आ रही है। हिंदू मुस्लिम का दंगा, हिंदू और क्रिश्चियन में कड़वाहट, हर कोई अपनी सांप्रदायिक विचारधारा को धर्म का स्वरूप मान रहा है और उसको बलपूर्वक दूसरों पर थोपना चाहता है। वो दूसरी विचारधारा के अनुयायियों से घृणा करना चाहता है। यदि देखा जाए तो हम सुंदर साध्वी कम थोड़े हैं, हम सुंदर साध्वी तो तारतम का विवाद खड़ा करके आपस में कितनी घृणा करते हैं। किसी चौपाई का क्या अर्थ होगा, इसके लिए भी सुंदर साध्वी कड़वाहट होती है। वर्चस्व की भावना के लिए भी सुंदर साध्वी कड़वाहट होती है। इसलिए क्योंकि ज्ञान का दीपक हमारे हृदय में नहीं जला है और उस ज्ञान के दीपक में प्रेम का घृत नहीं डाला गया है। शब्दों को पढ़कर सुंदर साथ में, चाहे चर्चनी की बातें हों या तारतम वाणी की सैद्धांतिक बातें हों, उसमें विद्वत वर्ग में भी मनमुटाव रहता है। एक विद्वान दूसरे विद्वान के साथ आत्मीयता नहीं रखता। आखिर ये घृणा की दीवारें कब तक बनी रहेंगी? यदि हमारे हृदय में सचमुच में प्रेम आ जाए तो हर सुंदर साथ दूसरे सुंदर साथ को परम धाम के दृश्य देखे और सब में प्रेम का एक ऐसा वातावरण बन जाए तो लगेगा यहीं बैठे बैठे कि सबके हृदय में एक राज्य बसते हैं। हमारे हृदय में जो घृणा द्वेष वर्चस्व की भूख का प्रदूषण है वो निकल जाए, और जानते हैं यह प्रदूषण जब समाप्त होगा तो हमारा हृदय एक ऐसा स्वच्छ मंदिर बन जाएगा जिसमें स्वयं आकर के अक्षरातीत विराजमान हो जाएंगे। अक्षरातीत ने हमें तो सबसे ऊंचा ज्ञान दिया है जो अक्षर को भी पता नहीं था। स्वलीला अद्वैत का वह रस जो परमधाम में न अक्षर को मालूम था, न श्यामा जी को मालूम था, न सखियों को ज्ञात था, वो राज्य ने सब कुछ तारतम वाणी में
दर्शा दिया है। उस अलौकिक वाणी को लेकर हम आज दिन तक अंधकार में भटक रहे हैं। न तो हम मानवता को दे पाए हैं, न स्वयं उस ज्ञान के प्रकाश से स्वयं को प्रकाशित कर पाए। आज स्थिति कितनी दयनीय है। हम संसार के दूसरे विद्वानों के समकक्ष अति विश्वास के साथ चलने में भी घबराते हैं। हमें लगता है कि वो विद्वान पूछ देगा तो हम क्या उत्तर देंगे, क्योंकि हमारा अध्ययन सीमित है। हमने तारतम्य ज्ञान की महिमा को नहीं समझा। तारतम्य ज्ञान को संसार में प्रकाशित कैसे करना है, इसकी तरफ कभी चिंतन नहीं किया। हम दकियानुसी विचारों को लेकर के ही चलते रहे। आज भी यही हो रहा है। बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं स्थानों पर, एक ने भजन क्या गाया, हुड़दंग मच जाती है, लोग खड़े होकर ऐसे तरीके से नृत्य करने लगते हैं जिसे देखकर लगता ही नहीं कोई कि यह कोई आध्यात्मिक मंच है, और ये न जाने वर्षों से चला आ रहा है। यह प्रवृत्ति समाज के लिए बहुत ही घातक है। बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, लाखों का खर्चा हो जाता है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा नाम मात्र को होती है। यदि होती भी है तो उसमें कोई रस नहीं होता। इसका कारण क्या है? हमारे पास उच्च स्तर के विद्वान नहीं है, उच्च स्तर के ध्यान साधना में निष्णात नहीं है, जो अपना हृदय राज्य को समर्पित करें, और उनके हृदय से जब वाणी निकले तो ऐसी वाणी हो जो सबको अपने प्रेम के आंगन में बैठाने के सामर्थ्य रखती हो। ऐसे उच्च स्तर के धर्म प्रचारकों, धर्म उपदेशकों का बहुत ही अभाव है। लेकिन ये क्यों होगा? जब हमारा चिंतन ही ज्ञान को प्रकाशित करने पर नहीं होगा तो इसका परिणाम यही होना है। संसार में जो भी विचारधारा आगे बढ़ी है उसने अपने ज्ञान के प्रकाश से, ज्ञान की अमृत धारा से मानवता के बहुत बड़े भाग को सिंचित किया है। हमारे पास परमधाम का अमृत तो आया, अक्षरातीत के हृदय का बहता हुआ अमृत रस तारतम वाणी की 18,758 चौपाइयों में प्रस्फुटित हुआ, लेकिन हमने उसको फैलाया नहीं। हमने कर्मकांडों की ऐसी चादर ओढ़ ली कि आरती पूजा घंटी घड़ियाल से आगे कुछ नहीं सोचा। ये नहीं सोचा कि हमारा पहला कर्तव्य है कि तारतम वाणी का प्रकाश सबके हृदय में फैला दो, प्राणनाथ की महिमा फैला दो, प्राणनाथ जी की पहचान फैला दो, और सबके लिए मार्ग दर्शा दो कि यहीं बैठे बैठे परम धाम को साक्षात देखें। और यह भूल लगभग 250 वर्षों से चली आ रही है, निरंतर चल रही है। आज भी जब ज्ञानपीठ का मंचीय कार्यक्रम होता है तो उसे यही संदेश दिया जाता है, लेकिन दुर्भाग्य है कि कुछ लोग जानते हुए भी अपनी आंखें बंद करते हैं या चाहते ही नहीं कि संसार में ज्ञान का प्रकाश हो। यदि देखा जाए तो केवल हमारा निजानंद संप्रदाय ही नहीं, पौराणिक समाज भी यही चाहता है कि हिंदू समाज अपनी बुराइयों को न छोड़े, इसलिए वह भी वैदिक ज्ञान को फैलने देना नहीं चाहता। वह चाहता है कि पौराणिक रूढ़ियों में सारा संसार फंसा रहे, हिंदू समाज जो विगत हजार वर्षों से गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा, न जाने इसने कितनी बार खून की नदियों को बहते हुए देखा है, फिर भी यह हिंदू समाज जागरूक नहीं होना चाहता कि पौराणिक रूढ़िवादिता को छोड़कर हम वेदों के सत्य मार्ग का अवलंबन करें। और हमारा सुंदर साथ का समूह भी यह नहीं सोच रहा है कि तारतम्य ज्ञान जो अक्षरातीत के हृदय का बहता हुआ रस है, उसको हम खुद साथ करें और सारे संसार के लिए उपलब्ध करा दें। इसके लिए जो रूढ़िवादी परंपराओं को छोड़ना होगा, कर्मकांड की बेड़ियों को छोड़ना होगा, ज्ञान के अखंड स्तंभों को स्थापित करना होगा जहाँ से अखंड रूप से तारतम्य वाणी का प्रकाश फैल सके और सारी मानव जाति को यह राह दिखा सके। चाहे वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, पौराणिक हिंदू हो, यहूदी हो, कोई भी हो, सबको यह बता सके उनके ही ग्रंथों से कि एक सच्चिदानंद परब्रह्म जो क्षर अक्षर से परे उत्तम पुरुष अक्षरातीत है, उसके साक्षात्कार का मार्ग क्या है और उस ज्ञान को ग्रहण करके हमें जीवन में कैसे उतारना है। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारा दीपावली का त्यौहार मनाना सार्थक है। प्राचीन काल में तो आज के दिन जो दीपावली का त्यौहार मनाने
का जो कार्यक्रम होता है उसमें हवन किए जाते थे, वातावरण शुद्ध होता था। अभी यज्ञ हवन की प्रक्रिया समाप्त हो गई तो उसकी जगह घी के दीपक जलाने ले लिया। घी के दीपक भी बंद गए तो तेल डालना जाने लगा, अब तो वह भी बंद हो गया। अब तो मोमबत्तियां जलाई जाती हैं, प्राय मोमबत्तियां भी बंद हो गई हैं, तो क्या होगा, सुगंधि कैसे फैलेगी? प्रेम की सुगंधि, समर्पण की सुगंधि, श्रद्धा की सुगंधि जब तक नहीं फैलेगी, तारतम्य ज्ञान के उजाले में मानवीय जो प्रदूषण है, जो सबके हृदय में बैठा है, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, क्रोध, अहंकार, प्रचस्व की भूख, दूसरों को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति, ये तो सबसे बड़ा प्रदूषण है और इससे हम अशांत हैं। जिस तरह से दीपावली के दिन पटाखे छुड़ाए जाते हैं, पटाखे छुड़ाने वाले नहीं सोचते कि वह क्षण भर की आवाज़ सुनने के पीछे वातावरण को कितना प्रदूषित कर रहे हैं और दूसरे के जीवन में विष घोल रहे हैं। यदि हम भी दूसरों को दुखी देख करके स्वयं प्रसन्न होना चाहते हैं तो यह ध्यान रखना होगा कि यह आसुरी प्रवृत्ति है। दैवी प्रवृत्ति क्या है? स्वयं कष्ट झेलकर दूसरों को आनंद देना। जैसे एक दीपक की बत्ती स्वयं जलती है, जलते जलते अपना अस्तित्व खो देती है, किंतु बदले में अंधेरे को दूर करके प्रकाश का जीवन जीने देने की प्रेरणा देती है। हमें भी वैसे ही करना चाहिए। चाहे जीवन में कितने भी कष्ट आए, हमें अपनी बौद्धिक ऊर्जा को, आर्थिक ऊर्जा को मानवता के कल्याण में लगाना चाहिए। आज के दिन जुआ खेलना महापाप है, पटाखे छुड़ाना पाप है, किसी तरह का प्रदूषण करना पाप है। और यदि हम दीपावली के पुनीत आदर्शों को आत्मसात कर सके तो हम समाज के एक पथ प्रदर्शक बन सकते हैं। हर व्यक्ति यदि दीपावली के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात कर ले तो एक पथ प्रदर्शक की भूमिका का निर्वहन करेगा और उसको देखकर सारी मानव जाति उस परम सत्य के सिंहासन पर पहुंचने का अधिकार रख सकती है जो आज तक कभी संभव नहीं हो सका था। मैं आशा करता हूं कि सब सुंदर साथ दीपावली के इस त्यौहार से प्रेरणा लेंगे और अपने मानसिक प्रदूषण को दूर करने के लिए तारतम्य ज्ञान के प्रकाश और राज्य के चितवनी के प्रेम का आश्रय लेंगे और अपने जीवन को सफल करेंगे।